राम राम साय मंजूस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ही वीडियो में तीन तरह का जूस बनाना बताऊंगी, अनार का जूस, तरबूज का जूस और नींबू पानी। तो आप गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो आप जरूर बनाकर ट्राई कीजिए। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। नींबू पानी बनाने के लिए मैंने दो नींबू लिया है, एक चम्मच मैंने काला नमक लिया है, चार चम्मच मैंने पिसी हुई चीनी ली है, एक कटोरी मैंने पुदीना के पत्ते लिए हैं, ये तुलसी के बीज है, आपको पसंद है तो डाल सकते हो। मैं बहुत सारे जूस में डालती हूँ तो मैं मेरे पसंद के हिसाब से लिया है, जूस के हिसाब से डाल सकते हैं। चार गिलास मैंने ठंडा पानी लिया है एकदम चिल्ड। तो नींबू पानी बनाना शुरू करते हैं। तुलसी के बीज को 20 मिनट के लिए आधा कप पानी डाल करके भिगो के रखना है, अच्छे से फूल के तैयार हो जाएंगे। ये बहुत ही गुणकारी होते हैं, बहुत ही फायदेमंद होते हैं, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। नींबू पानी बनाने के लिए मैं शक्कर ले रही हूँ मिक्सी का जार में, चीनी तो पीसी हुई है, पुदीना के पत्ते आसानी से पीस जाएगा इसलिए मैं चीनी को साथ में डाला है मैंने। आप पुदीना के पत्ते भी पीस सकते हो खाली पानी से। ये मैंने नमक लिया है एक चम्मच, ये भी डाल रही हूँ। तीनों चीज़ों को अच्छे से पीसना है। नमक और चीनी तो पीसी हुई है, ये पुदीना अच्छे से पीसी जाएगा तो इसलिए मैंने तीनों चीज़ों को साथ में डाला है। ये मैंने चिल्ड पानी लिया है, मैं पूरा नहीं डालूंगी, जरूरत के हिसाब से डालूंगी। थोड़ा सा पानी मैंने बचा के रखा है तो ये मिक्सी के जार में पीस लेते हैं। सारी सामग्री मैंने मिक्सी के जार में डाल ली है, अभी इसको अच्छे से पीस लेते हैं एकदम बारीक। सारी सामग्री मैंने पीस करके तैयार कर ली है, चलने से छान लेते हैं। एकदम बारीक पीसा है मैंने तो छानने में आसान होगा। आधी गिलास पानी लिया मैंने, पूरा पानी नहीं डाला एक साथ। ये मैंने दो नींबू लिया है तो इसको काट करके इसी बोल में नींबू का रस डालना है। मैं आसे निकाल रही हूँ, आपके पास नींबू का रस निकालने वाला है तो आप निकाल सकते हो। ये मैंने नींबू का रस इसमें डाल दिया है, इसमें बीज है तो मैंने पहले छान दिया था, पुदीने के पत्ते पीस के तैयार किया था वो भी छान के तैयार किया है, अब मैंने नींबू डाला है तो छान लेते हैं वापस। नींबू का बीज बहुत नुकसान करते हैं तो बीज बिल्कुल नहीं रखते। मैंने चार गिलास नींबू पानी बनाया है, मैं चार गिलास में डाल रही हूँ। एकदम चिल्ड पानी लिया है मैंने तो चिल्ड पानी डाल रही हूँ मैं। तुलसी के बीज को मैंने 20 मिनट पहले भिजो के रखा था तो एक एक चम्मच मैं तुलसी का बीज डाल रही हूँ। आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो, ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। नींबू पानी के डेकोरेट करने के लिए मैं नींबू को काट रही हूँ, आपके पसंद के हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो। ये नींबू पानी डेकोरेट करने के लिए मैंने पुदीने की पत्ती ली है। नींबू पानी बनकर के तैयार हो गया है, आप भी घर पर बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। तो चलो अनार का जूस बनाना शुरू करते हैं। अनार को जूस बनाने के लिए मैंने दो अनार को छील करके दाना निकाल लिया है, दो चम्मच मैंने पीसी हुई चीनी ली है, आधा छोटा चम्मच मैंने सिंधा नमक लिया है, डेढ़ गिलास मैंने पानी लिया है एकदम चिल्ड। तो अनार का जूस बनाना शुरू करते हैं। मिक्सी का जार में डाल रही हूँ, मिक्सी का जार में जूस बनाना है तो मिक्सी का जार में अनार का दाना डाल रही हूँ। मैंने पीसी हुई चीनी ली है, आप उसकी जगह शक्कर भी ले सकते हो। ये मैंने नमक लिया है, ये नमक डाल दिया, डेढ़ गिलास मैंने पानी लिया है एकदम चिल्ड, ये डाल दो। आप बर्फ़ भी डाल सकते हो, मैंने पानी चिल्ड लिया है तो बर्फ़ नहीं डालना है। मिक्सर जार में मैंने सारी चीज़ें डाल ली है तो जूस बनाना शुरू करते हैं। जूस बन करके तैयार हो गया है अनार का, चलने से छान लेते हैं। मैंने भगोने लिए है और चलने लिए है, एकदम अच्छे से छन गए हैं, सारे बीज चलने में रह गए हैं। जूस बन करके तैयार हो गया, मैंने छान लिया है अच्छे से, गिलास में डाल रही हूँ। अनार का जूस बनकर के तैयार हो गया है, आप भी घर पर बना के जरूर ट्राई कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं तरबूज का जूस बनाना। तरबूज का जूस बनाने के लिए मैंने तरबूज लिया है, 5-6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, एकदम ठंडा तरबूज है तो काट करके मैंने बॉल में निकाल लिया है। एक बड़ा चम्मच मैंने पीसी हुई चीनी ली है, आधा छोटा चम्मच मैंने काली मिर्ची का पाउडर लिया है। तो शुरू करते हैं तरबूज का जूस बनाने के लिए। मैं मिक्सी में जार में डाल रही हूँ तरबूज को, मैंने बड़े बड़े पीस काट के रखा है, आप छोटे भी काट सकते हो। जूस के हिसाब से मैंने आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया पीस करके डाल देते हैं, दो चम्मच मैंने पीसी चीनी ली ये भी डाल दिए हैं,
ढक्कन लगा करके रूस बना लेते हैं। रूस बनकर के तैयार हो गए हैं, बॉल में छान लेते हैं। बहुत ही अच्छा बना है, मीठा ज़्यादा पसंद है तो शुगर ज़्यादा डाल सकते हो। मैंने एक चम्मच शुगर ली है। रूस बनकर के तैयार हो गया है, ग्लास में निकाल देते हैं। मेरा तरबूज का जूस बनकर के तैयार हो गया है। इस वीडियो में मैंने 3 तरह का जूस बनाया है, तो आप इस रेसिपी को अच्छी लगे तो लाइक करना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। कमेंट करके जरूर बताना कि ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राम राम साहब।